हम लोग सबसे लास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे मेटल्स ऑफ अ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को उनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी मेटल का ऑक्साइड है, हाई रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है, तो इसको हम कार्बन या एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस नहीं करवा सकते हैं। कारण क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका जो एफिनिटी होता है, एफिनिटी मतलब लगाव किसके साथ, एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी होता है काफी ज्यादा होता है। मेटल्स का एफिनिटी विथ ऑक्सीजन काफी हाई होता है, इस वजह से इसको एल्यूमिनियम या कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसको अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे, रिडक्शन हो तो जाता है लेकिन मेटल का कार्बाइड बन जाता है कार्बन के साथ। इसलिए हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है। हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग सोडियम क्लोराइड से सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी सुटेबल सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करके भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे। इस तरह का एक बड़ा सा कंटेनर होता है, इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है, दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स वो प्लेट जिसमें आप करंट पास कीजिएगा। ये रहा दो इलेक्ट्रोड, एक में पॉजिटिव करंट, एक में नेगेटिव करंट होता है, और इसी में हम लोग रखते हैं मोल्टन NaCl को। किसको रखते हैं, मोल्टन NaCl। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड मींस NaCl जो होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप इसी बेस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा चीज, ऐसा केमिकल, अगर उसको आप पिघलाइए या किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कीजिए तो वो आयंस में डिसोसिएट होता है। जैसे कि NaCl जैसे पिघलेगा, मोल्टन स्टेट में होगा, या सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो ये Na+ और Cl- टूट जाएगा। तो यहाँ पर इस कंटेनर में जो सोडियम क्लोराइड होगा मोल्टन स्टेट में, वो NaCl नहीं होगा, जबकि वो होगा Na+ और Cl- के फॉर्म में रहेगा। ओके, चलिए अब समझते हैं कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसे मैं मिटा दूं ऊपर थोड़ा सा। यहाँ पर दोनों प्लेट पर करंट डाला जाता है। ओके, एक में जो डीसी करंट होता है उसको लगाते हैं, जैसे बैटरी से कर सकते हैं हम। एक में पॉजिटिव करंट लगाएंगे और एक में नेगेटिव करंट अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए इस पर मैंने पॉजिटिव करंट लगाया और इस पर नेगेटिव लगा दिया, इन दोनों में करंट पास हुआ। अब यहाँ सोडियम देखिए क्या है, यहाँ अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। जैसे ही इसमें करंट पास होता है तो ये जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसकी तरफ चला जाता है। ओके, और इसके तरफ जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ क्या रिएक्शन होता है, इसे लिखते हैं। देखिए, ये जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को यहां पर कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथोड। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है यहां पे, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड। एनोड, एक चीज और समझ लेते हैं, कैथोड और एनोड से अब प्लस माइनस को नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ तो वहां एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड मेरा पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसमें आपका कैथोड नेगेटिव हो जाता है और एनोड पॉजिटिव हो जाता है। ओके, यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका जो क्लोरीन है, सीएल माइनस है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जाकर देगा किसको, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और अपने आप को ऑक्सीजन को लूज करके क्लोरीन गैस बनकर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सोडियम मेटल का डिपोजिशन हो रहा है और यहाँ क्लोरीन का गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, बबल्स बनकर यहाँ से बाहर निकलेगा। दोनों इलेक्ट्रोड पे मीन्स कैथोड पे और एनोड पे कैसा केमिकल रिएक्शन होता है उसे समझते हैं। ये जो हमारा है नेगेटिव साइड, ये आपको दिख रहा है कैथोड, यहां लिख दें कैथोड। यहां क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, यहां जो सोडियम मेटल था Na, ये किस फॉर्म में था, ये Na+ पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में था, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव है, मींस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है और सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को रिड्यूस करता है, और रिडक्शन के थ्रू यहां बनता है सोडियम का मेटल, सोडियम सॉलिड फॉर्म में बनता है। वहीं दूसरी तरफ आपको जो पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एनोड। एनोड पर क्या होता है समझते हैं, एनोड पर यहाँ क्लोरीन गैस है Cl-, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, और इससे बन जाता है Cl, और साथ में निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा Cl2, ये बैलेंस किया हुआ है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या निकला, क्लोरीन गैस। याद रखिए इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो एनोड पर आपका इस वाले केस में क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होता है, और कैथोड पर सोडियम मेटल का डिपोजिशन होता है। इसका केमिकल रिएक्शन नीचे लिखा गया है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन। ओके, और एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ अ हाईली मेटल विथ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, हम सोडियम क्लोराइड का किए हैं। आप ऑक्साइड और क्लोराइड दोनों का कर सकते हैं, सोडियम का ऑक्साइड रहेगा तभी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से होगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड।